हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 5 न्यू नोटिफिकेशंस। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करने वाले हैं, दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इसके अलावा इग्नू के दो ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सो दोस्तों, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी जॉब की तलाश में होंगे, तो आप सभी को भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बस आप सभी से मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया। उसके पीछे एक रीज़न तो ये भी है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाए। इसके लिए इग्नू की तरफ से ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में ही एक नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया। इसमें बताया है कि अगर आपके एग्जामिनेशन के रिजल्ट पेंडिंग में है तो आप उन सभी सब्जेक्ट्स का भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फिर बाद में जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और आप उसमें अगर पास हो जाते हैं तो आपकी फ़ीस को दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के टाइम पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसमें जो भी स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर वाले हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम रहेगी, तो दोस्तों इसके लिए आप और वेट कर सकते हैं या फिर आप भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपका यहाँ पे 6 महीने का लॉस हो जाएगा। फिर आपको दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के टाइम पे फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की इस टाइप की क्वेरी है कि क्या एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको सिंपली बता दूँ कि फिलहाल आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए 25 जून की, मतलब आज की ही लास्ट डेट दी गई है। अगर आपकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है तो आप कल तो इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कल संडे है, तो 27 तारीख को अगर इसे एक्सटेंड किया जाता है तो वो 27 को एक्सटेंड हो पाएगा। और वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 26 जून के बाद में जो भी स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उन्हें 1100 रुपया लेट फीस पेमेंट करनी होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं लेकिन 25 जून तक फिलअप नहीं कर पाते हैं तो आप एक या दो दिन का और वेट कर लीजिए, क्योंकि वो तो 30 तारीख तक भी आपको लेट फीस ही पेमेंट करनी होगी। और वैसे तो कोशिश कीजिए कि आप आज ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर इग्नू की तरफ से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है विदाउट लेट फीस, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, अभी बात करते हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन के लिए अभी अपीयर करने वाले हैं उसमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने असाइनमेंट्स जमा नहीं करवाए। आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 30 जून की लास्ट डेट है, सो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके अलावा दोस्तों, आप में से काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना री रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट नहीं किया। दोस्तों, आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जून की लास्ट डेट दी गई है, सो आप इसको मिस ना करें। री रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करने के लिए असाइनमेंट जमा करवाने की ज़रूरत या फिर अपने एग्जामिनेशन में पास होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना असाइनमेंट जमा करवाए और बिना एग्जाम्स दिए भी अपना नेक्स्ट हायर क्लास में री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप टाइम पर अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो इससे आपका 6 महीने या फिर 1 साल का भी लॉस हो सकता है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना री रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लीजिए। फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स को अपना री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने में या अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, हो सकता है कि आपके आसपास में कोई कैफ़े नहीं होगा जहां से आप इसे फिलअप कर सकें, तो इसके लिए आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अभी जो नोटिफिकेशंस आपके डिफरेंट रीजनल सेंटर्स की तरफ से जारी किए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे पटना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के बारे में। पटना रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स MCA प्रोग्राम वाले हैं, MCA न्यू वाले, आपका ऑनलाइन वाईवा वो शेड्यूल जारी कर दिया गया। आपके प्रैक्टिकल की डेट दे दी गई है, 27 जून को आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स पटना रीजनल सेंटर वाले ही PGDCA न्यू प्रोग्राम वाले हैं, आपका भी प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किया जाएगा 27 जून को ही। सो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इन दोनों प्रोग्राम के हैं, आप इन लिस्ट को डाउनलोड करके और अपना नाम इनमें चेक कर लीजिएगा। इन दोनों नोटिफिकेशन के अलावा पटना रीजनल सेंटर की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सो उसे भी डिस्कस करते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आप में से जो भी स्टूडेंट्स बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री वाले या MBA वाले, तो इनके लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट भी यहाँ पे दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की कुछ पोस्ट दी गई है, और जो भी स्टूडेंट्स MBA वाले हैं उनके लिए रिलेशनशिप मैनेजर की भी पोस्ट दी गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जय माता दी फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पटना, दोस्तों इसकी तरफ से ये रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। सो आप में से जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जॉब रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करके और अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसके बाद में कंपनी की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपको इसके लिए बुला लिया जाएगा। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है दोस्तों त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स BSc जियोलॉजी वाले हैं, आपके प्रैक्टिकल क्लासेस और आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सो आप में से जो भी स्टूडेंट्स BSc जियोलॉजी वाले हैं आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 27 जून से आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे आपका स्टडी सेंटर का एड्रेस भी दे दिया गया जहाँ पे आपको इन्हें अटेंड करना होगा। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आता है वो है दोस्तों फिर भोपाल रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। भोपाल रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स MCA न्यू प्रोग्राम वाले हैं, आपका थ्योरी काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया, सो आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अभी जो दूसरा रीजनल सेंटर है जिसकी तरफ से आपके कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह है दोस्तों जयपुर रीजनल सेंटर। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो ओनली जयपुर वाले ही स्टूडेंट्स इसमें अपीयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ पर भी सूटेबल आपको लगता है वहाँ पर जाकर इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। बाकी जो रीजनल सेंटर्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहे तो जयपुर आकर और इसको अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स MBA फाइनल ईयर वाले हैं या जिनका MBA कंप्लीट हो चुका है वो सभी इसके लिए अपीयर कर पाएंगे। और ये जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका नाम भी सुना होगा। इसे दोस्तों 28 जून को ट्यूसडे को कंडक्ट किया जाएगा। टाइम दिया हुआ है, जो प्रोफाइल दिया हुआ है रिलेशनशिप मैनेजर, और सैलरी पैकेज भी यहीं पे मेंशन कर दिया गया 4.5 लाख पर एनम। इसके लिए वेन्यू यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एलिजिबिलिटी जो भी स्टूडेंट्स MBA फाइनल ईयर वाले हैं या जिनका MBA कंप्लीट हो चुका है वो सभी इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इग्नू का ID कार्ड और इसके अलावा एक नॉर्मल ID कार्ड भी आपको लेकर जाना होगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये 5 नए नोटिफिकेशंस थे। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे अहेड।